स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश में ए और एन जो आर्टिकल है, इसके बाद मैं द का भी यूज़ पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग ए और एन का प्रयोग देखने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा होते रहता है। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी गलती कर दिया, इसलिए जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो कॉमनली ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए और एन का प्रयोग होता है वोवेल्स के लिए, जो कि हर किसी को पता होगा। लेकिन वोवेल के साथ साथ एन का प्रयोग वोवेल साउंड्स के लिए भी होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे बहुत सारे लोग कि इनके लिए एन का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन हम लोग देखते हैं मेनली साउंड को, क्योंकि वोवेल से सिर्फ ये पता नहीं लगाया जा सकता है, ठीक। जैसे अभी मैं उदाहरण दूंगा बहुत सारा, शुरू से लेकर मैं बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक पूरा मतलब अंत तक लिया हूँ इसमें, इसलिए आप जो है अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आज के बाद इसमें कहीं भी आपको समस्या नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है। तो वोवेल साउंड मतलब जब भी हम बोलते हैं आर्टिस्ट, ठीक है, जब भी हम बोलते हैं आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को हम लोग लिखते किस तरह से हैं हिंदी में, आर्टिस्ट, ठीक है। और ये वोवेल साउंड हमको देखना है कि वोवेल साउंड में भी आ आता है, तो इससे पहले वोवेल साउंड के साथ भी हम लोग एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वोवेल साउंड से पहले भी हम लोग एन का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग आर्टिस्ट से पहले क्या लगाएंगे, एन आर्टिस्ट, ठीक है। अब देख लीजिए अगली बुआ, ठीक है, अगली यू है और इसके साथ हम लोग अगली को लिखते कैसे हैं, अगली इस तरह से लिखते हैं अगली बुआ। तो पहला जो लेटर है वह आता है अ, ठीक, जो कि क्या है वोवेल साउंड में आता है और इसलिए हम लोग इससे पहले एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है एम ए, ठीक है, हम लोग एम ए को लिखते किस तरह से हैं हिंदी में लिख करके देखना है, वोवेल साउंड से मतलब है एम ए, ठीक है, एम ए, एम ए से शुरू हुआ है और ये हमारा है ए, वोवेल साउंड के अंतर्गत भी आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग आवर, इसमें 100% बहुत सारे, इससे पिछले बार में बोर्ड्स एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आवर से थे, सिर्फ आवर से, और इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आवर सभी लोग इसको हावर पढ़ते हैं, हावर, जो कि क्या है, गलत है, हावर होता ही नहीं है, यह होता है आवर, ठीक है, आवर। तो आवर के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आ है वोवेल साउंड में, तो इसलिए हम लोग इससे पहले भी एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अब आया यूनिवर्सिटी, यू हमको पता है कि यू जो है एक वोवेल है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और वोवेल से पहले तो एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि इसको हम लोग साउंड निकालते हैं, यूनिवर्सिटी, क्या लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, यानी पहला अक्षर आया यू, ठीक है, पहला अक्षर जैसे यू आया तो यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले ए का ही प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वोवेल साउंड में क्या आता है, यू, ठीक है। अब दूसरा देखिए यंग मैन, यंग मैन लिखते किस तरह से हम लोग, यंग मैन, यंग, यो, जो कि वोवेल साउंड भी नहीं है और वोवेल भी नहीं है, इसलिए हम लोग इससे पहले ए का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग ऑनेस्ट मैन, ठीक है, इसको पढ़ते किस तरह से हम लोग, सबसे पहले ऑनेस्ट, 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 ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और हमें पता है कि ये वोवेल साउंड में भी ओ आता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो अगला देखिए हिल, एच आई डबल एल, हम लोग हिल इस तरह से लिखते हैं, तो हो तो क्या है, वोवेल साउंड तो नहीं है, इसलिए हम लोग इससे पहले ए ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा, इसलिए जो बेसिक नहीं भी जानते होंगे उनको भी समझ में आएगा, और जो जानते हैं उसे हार्ड लेवल तक का समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एंट, एंट लिखते हैं हम लोग किस तरह से हैं, एंट, एंट मीन्स चीटी, तो इससे पहले क्या लगेगा, एन एंट, क्योंकि ए क्या है, हमारा वोवेल साउंड है और ये हमारा वोवेल साउंड है, इसलिए एंट का में एन का प्रयोग होगा। अब देखिए एग, एग किस तरह से लिखते हैं, ए गो, ठीक, और सेम आया वो भी वही, तो इसमें भी एन का प्रयोग करेंगे। अब हॉर्स, हॉर्स को हम लोग लिखते हैं किस तरह से, हॉर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए का यू, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं बॉय, बॉय देखिए सिंपल लिखते हैं, बॉय, बॉय आया, जो कि
क्या है, स्वर नहीं है यानी भोवेल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इससे पहले भी हम लोग ए का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए एम पी एम, ठीक है, एम और पी, एम पी एन एम पी, क्योंकि ए आया, ठीक है, एन एम पी। अब देखिए एस डी ओ, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि क्लियरली समझ में आ सके, एस डी ओ, एस यानी एन, इसमें भी एन, एस डी ओ एस, ये आता है जो कि हमारा भोवेल साउंड है। चलिए फिर से अब इस साइड वाला देख लेते हैं हम लोग। तो अगला है इंडियन बॉय, इंडियन बॉय, इंडियन पता है हम लोग को, इंडियन ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं, हर किसी को पता होगा इंडियन इस तरह से लिखते हैं। तो इंडियन से पहले भी क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। अगला देखिए यूरोपियन, 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 ठीक है, यूरोपियन इस तरह से लिखते हैं, इसलिए यूरोपियन से पहले ए ही लगेगा, क्योंकि यू यानी कि य जो है वह हमारा भोवेल साउंड नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वन रुपी नोट, देखिए ओ तो हमको पता है भोवेल है, लेकिन इसको लिखते किस तरह से हैं, वन वन रुपी नोट, तो क्या होगा, वन व जो कि भोवेल साउंड नहीं है, इसलिए हम लोग इससे पहले ए का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग बैग, बी ए जी बैग, बैग मीन्स थैला, ठीक है, बैग, बैग लिखते किस तरह से है, बैग इस तरह से लिखते हैं, और बैग से पहले ए का प्रयोग, क्योंकि वह भोवेल साउंड नहीं है। अब देखिए ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस, ये ओ ही है, लेकिन इसमें ओल्ड हाउस ओ आता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, भोवेल साउंड है, ठीक है, तो इसलिए एन का प्रयोग कर देंगे हम लोग सिंपली, ठीक है। अम्ब्रेला, यू से शुरू है, ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इस तरह से लिखते हैं हम लोग, अम्ब्रेला, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंडियन ऑक्स, अभी कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ आने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, ठीक, कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें भी आएंगी जिसे हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इंडियन ऑक्स, एन इंडियन ऑक्स, क्योंकि इंडियन है तो इंडियन इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इंडियन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। काओ, काओ से पहले ए लगेगा, क्योंकि काओ, काओ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। टी, अब देखिए ये टी है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो भी मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन है, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर वो कलेक्टिव नाउन हो, उन सभी से पहले हम लोग न ही ए का प्रयोग करते हैं और न ही एन का, यानी इन दोनों आर्टिकल में से कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसे गिना जा सकता है उसे ही हम लोग एक या दो कह सकते हैं, जिसे गिना ही नहीं जा सकता उसमें एक या दो होगा ही नहीं, इसलिए न ही टी से पहले कुछ, और न ही ऑयल से पहले कुछ, और न ही एंड, ये एस लग गया, यानी कि यह क्या हुआ, पुलरल, पुलरल के लिए हम लोग क्या ए या एन का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक, ठीक है, इसलिए इसमें किसी भी भोवेल का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें भी किसी भी क्या कहते हैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह का द का यूज भी बताऊँ इसी आसानी आसान भाषा में, बहुत ही मस्त भाषा में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट